नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज की टॉप हेडलाइंस, सांसद राजू बिस्ट ने दार्जिलिंग पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान का मुद्दा फिर से उठाया संसद में। जमीन विवाद के चलते एक की हुई मौत, दो लोग हुए हैं घायल। राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला चंदा। कोरोना वायरस का आतंक लगातार जारी, दिल्ली में 5 नए संदिग्ध मरीज मिले। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा ने दार्जिलिंग पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान के मुद्दे को फिर से संसद में उठाया है। उन्होंने सभी नेपाली भाषा बोलने वाले नेपालियों को नेपाल का नहीं बताया है, साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। मोदी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के लीडरशिप में बहुत सारे जो देश में इश्यूज चल रहे थे पुराने, वो सब जो है एक एक करके हल हुए, चाहे वो 370 हो, 35 ए हो, ट्रिपल तलाक हो, बोरो का इश्यूज हो, ब्रू रियांग की समस्या हो, और राम मंदिर ही क्यों ना हो। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, दीदी ने विस्तार में नॉर्थ ईस्ट की उपलब्धियाँ बताई है। नॉर्थ ईस्ट जो है 72 साल तक जो है अनदेखा था, लेकिन पिछले 5 साल से तेजी से नॉर्थ ईस्ट में विकास हो रहा है। TMC की हमारी एक साथी ने कहा कि वो वहाँ के गार्जियन है और डेमोक्रेसी देश के जो है रक्षक हैं, तो 2-4 प्रश्न मेरे उनके लिए थे कि देखिए बंगाल में आज रोज़ जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या होती है, और जो महामहिम गवर्नर साहब है उनकी रोज़ अपमान होती है, महिलाओं के ऊपर में रोज़ अत्याचार हो रहा है, पुलिस का जो है एट्रोसिटी है, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, 25,000 लोग घर से बाहर रहने को मजबूर है, केवल दार्जिलिंग पहाड़ में 5,000 से ज़्यादा युवा घर से आज बाहर हैं, MP और MLA पे रोज आए दिन हमला होता है, PM GSY RIDF मनरेगा में घोटाले हो रहे हैं, चिटफंड का घोटाला है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अभी तक बंगाल में लागू नहीं हुआ, और मतलब हिल दार्जिलिंग हिल के अंदर में 2005 से लेकर के अब तक 2020 तक आज तक कोई पंचायत चुनाव नहीं हुआ। मुझे मंत्री जी के एक जवाब से पता चला 2016 से 2020 के बीच में करीब 500 करोड़ का नुकसान जो है उस क्षेत्र को हुआ है। म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन जो है ब्यूरोक्रेट के थ्रू चलाया जा रहा है, और जो चाय बगान सिंखोना बगान में काम करने वाले मजदूर जो है उनको आज तक लैंड राइट और पर्जापट्टा नहीं मिला। CAA का जो है लगातार नेगेटिव जो है प्रचार वहाँ पे हो रहा है, और आए दिन हमको सेकुलरिज्म के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे ध्यान है जो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, देश के प्रधानमंत्री होते थे, वो स्वयं भी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी और बहुत सारे TMC के नेता ये कहते थे कि जो हिंदू जो है बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, बल्कि हमारी सरकार एक स्टेप आगे जा करके उन 3 देशों में जितने भी माइनॉरिटीज थे सबको नागरिकता देने का काम किया। कुछ बिंदु अपने क्षेत्र के आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, ऐसा हो रहा है लगातार जाने अनजाने आए दिन जो है गोरखाओं के बारे में गलत जो है बातें बोली जाती है और बार बार उनका अपमान होता है, और गोरखाओं के बारे में ये कहा जाता है 1950 इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वो यहाँ पे सेफ हैं, उनको NRC या CA से कोई खतरा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा सर, गोरखा का इतिहास हिंदुस्तान में इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण नहीं है, और हमारी इतिहास जो है अलग है, दार्जिलिंग तराई और डुअर्स की इतिहास अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, उत्तराखंड की अलग है। तो ये जो जैसे तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं होते और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होते, इसी तरह नेपाली बोलने वाले सारे जो है नेपाल के नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान के ही 1.5 करोड़ नागरिक है। दुर्गा मल जी का प्रतिमा जो है पार्लियामेंट के सामने लगा हुआ है, उन्होंने इस देश के लिए जो है अपनी बलिदान दी। हरिबहादुर गुरुंग डंबर सिंह गुरुंग जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है मेंबर रह चुके हैं। राम सिंह ठकुरी जी, जिन्होंने जो है कदम कदम बढ़ाया जाए इस गीत की धुन दी, ऐसे अनजान कितने जो है हजारों जो है लोगों ने इस देश के लिए जो है आज तक जो है बलिदान देते आए हैं। अतः मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, 1941 तक जो है गोरखा हिल ट्राइब के नाते जाने जाते थे, आज वो उनका वो अधिकार छीना गया है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से उनको पुनः जो है ये ट्राइबल स्टेटस का जो है वो मिले। अंत में एक बार जरूर कहना चाहूँगा सर, मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर में जैसा अभी एक सांसद जी भी कह रहे थे, बार बार गोरखा लैंड को लेकर के आंदोलन होते रहे हैं,
और लास्ट 2017 में भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ था और बहुत सारे समस्या देश की आज जो है सॉल्व हो गई है। और इस बार हमारी पार्टी ने 2019 में इस बात का जिक्र किया है, उस क्षेत्र के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं जिस तरह से देश के अनेक जो है इश्यूज को रिजोल्व हुए, इसका भी जो है समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाए और इस प्रक्रिया के लिए काम जल्द से जल्द चालू कर दिए जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालदा में जमीन विवाद को लेकर एक की हुई मौत, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। जिले के मलियापुर एक नंबर ग्राम पंचायत के लेतेरा गांव में इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। जमींदार चाष करते गए, चाष करते जाने चार बीघार मतलब प्लट आज चाष करते जाने बंद कर तक मैंने सब ओने हास्य नहीं चले आसल हास्य नहीं आसार पर मैंने सर्वप्रथम इसे मैंने भाई दाड़ी और भाई मैंने चोख झेड़े दिए जमी लिए हमार मार नामे 15 কাঠা জমি আছে তো এক মাস থেকে না লাগছে 20-25 বছর থেকে আমার বিয়ে হয়েছে তখন থেকে আমার দাদি দিতেছিল ওই জমিটা দেয়নি তখন আমার ভাই এখন বড় হয়েছে তখন কাগজ কলমে আছে লিবে থানা পুলিশ করে 1-2 বছর থেকে লাগছে কেসে লড়িছে তখন ওই কোর্ট থেকে ও কাগজপত্র বাড়ি হয়ে গেছে আর থানা থেকে অর্ডার দিচ্ছে যে জমিতে তোমরা নাম ও জমি দখল করো আর একে যখন কই আসছে আর ওরা দখল দিবে না সেই সময় পিট করছে। नागरिकता संशोधन कानून यानी CA के संबंध में लोगों को सही जानकारी देने के लिए आज भाजपा 36 नंबर वर्ड कमेटी की ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया गया। भाजपा नेता रतिंद्र नाथ बोस और कई अन्य नेता लोगों से जाकर मिले और उनको बताया कि CA कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसको लेकर गुमराह किया जा रहा है। ये हमारा जो प्रोग्राम सेंट्रल डिसाइड कर दिया, सेंट्रल भाजपा पश्चिम बंगाल प्रदेश का तरफ से CAA लेके घर घर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो हम लोग वही काम कर रहा है। आज 36 वार्ड का कुछ व्यवसायी प्रतिष्ठान के पास गए थे, हमने 36 वार्ड में सबके साथ बात किया, उन लोग को लिफलेट दिया, प्रचार किया। जैसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिल के पूरा विरोधी दल ये CAA का विरोध कर रहा है, ये विरोध करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट में ये आइन पास हो गया, ये आइन चालू होगा पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशली, ये आइन चाहिए ही चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानते हैं ये इधर बहुत अनुप्रवेशकारी है, इन लोग पूरा पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब कर रहा है, जिहादी कार्यकलाप शुरू कर रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट का पॉलिटिक्स कर रहा है अभी, इसीलिए आदमी लोग को सचेतन करने के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला चंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे, इनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को पहले दान के तौर पर 1 रुपया नगद दिया ताकि ट्रस्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण की दिशा में कार्य शुरू कर सके। केंद्र सरकार की ओर से यह दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय के अवर सचिव डी मुर्मू ने दिया। अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट अचल संपत्ति सहित बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान, योगदान ले सकता है। जलपाईगुड़ी राज्य के निर्वाचन अधिकारी अजीज अफताब मतदाता सूची को लेकर की बैठक, आगामी 27 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी फाइनल मतदाता सूची। राज्य के निर्वाचन अधिकारी अजीज आफ्ताब बुधवार को मतदाता सूची लेकर जलपाईगुड़ी DM के कार्यालय में 5 जिले के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कूचबिहार के पवन कड़ियान, अलीपुरद्वार के सुरेंद्र मीना, जलपाईगुड़ी के अभिषेक तिवारी, दार्जिलिंग के दीपा प्रियापी व कालिम्पोंग के DM आर विमला समेत प्रत्येक जिले के SDO मौजूद थे। बैठक के बाद निर्वाचन अधिकारी अजीज आफ्ताब ने कहा कि वे लोग चाहते हैं बिना किसी गलती के एक मतदाता सूची प्रकाशित की जाए। उक्त कार्य करने के लिए ही निर्वाचन अधिकारी अलग अलग जिलों में चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों से मिल रहे हैं। आगामी 27 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। वन कर्मियों की गोली से मारे गए वनवस्ती निवासी विमल राभा के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग में राभा डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों की ओर से अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न रेंज ऑफिस में किया गया घेराव। राभा डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों ने गोलीकांड के दोषी वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न रेंज कार्यालयों का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों
ने दोषी वन कर्मी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। अपनी मांग को लेकर संगठन की ओर से वन अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। गौरतलब है कि 13 जनवरी को कालचीनी मंथाराम इलाके में वन कर्मी की फायरिंग में एक वन बस्ती में रहने वाले विमल राभा की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ग्रामीणों के साथ साथ राभा डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य दोषी वन कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन की गत 13 तारीखे उत्तर मेदावरी खड़िया बस्ती विमल राभा बोले एक व्यक्ति के वन दफ्तर बेआईनी भावे गुली करा हुए छे। तार प्रतिबादेर जन्नो आज के तीनटा डिविशने जलपाइगुड़ी डिविशन कुचबिहार डिविशन बाक्सा डिविशने इस्ट वेस्ट डिविशन मध्य आज के समस्त जगह एक ही समय एक ही तारीखे आमादेर विमल राभा जन्नोई विशेषकर आंदोलन करतीसी क्योंकि पुलिस आज अब्दि खुनी दोषी व्यक्ति के एखो पर ग्रेप्तार करतीसी ना एवं क्षतिपूर्ण क्योंकि सम्पूर्ण उनारा एखो पर ओ परिवार पास दाड़ानो है परिवार जे एक जन के डीएल बा स्थायी चाकरी देवार प्रतिश्रुति दिए से आज के शांति श्रृंखला भावे जे समस्त जगह क्योंकि रेंज अफिसर मध्य आज के डिपुटेशन चलते एवं चलो और जदि 15 दिन मध्य जदि कोश्रुति को उत्तर जो ना पाए क्योंकि बृहत्तम आंदोलन जगह जाखा क्योंकि समस्त कूचबिहार के शुरू कर बाक्सा जलपाइगुड़ी समस्त डिविशन आंदोलन नामते बाध्य होब। माटीगाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। बलात्कार के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सिलालू राय को बुधवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में 13 वर्षीय बच्चे के साथ जान से मारने की धमकी देकर कई दिनों से लगातार बलात्कार किया जा रहा था। बलात्कारी सिलालू राय और धीरेन्द्र वर्मन नाबालिग लड़की को अलग अलग जगहों पर ले जाकर बलात्कार करते थे। ऐसी शिकायत लड़की के घरवालों द्वारा माटीगाड़ा थाने में दर्ज करवाई गई थी। शिकायत दर्ज करवाने के तुरंत बाद त्वरित कार्यवाही में पुलिस के हाथों सिलालू राय गिरफ्तार कर लिया गया और एक और आरोपी धीरेन्द्र वर्मन को अब पकड़ लिया गया है। आरोपी धीरेन्द्र वर्मन को बृहस्पतिवार को सिलालू राय में पेश किया गया। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जैसा कि एसके लाइव के सभी दर्शकों को मालूम है, सुखना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। अब इसका क्वार्टर फाइनल मैच आगामी महीने के 1 फरवरी से होने जा रहा है। आपको बता दें, इस फुटबॉल टूर्नामेंट का एकमात्र चैनल पार्टनर है एसके लाइव, और एसके लाइव इस फुटबॉल टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण फेसबुक यूट्यूब के साथ पूरे उत्तर बंगाल और सिक्किम के सभी टेलीविजन स्क्रीन पर करता रहा है। और जब अब फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है आगामी 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, इसका भी सीधा प्रसारण एसके लाइव के फेसबुक पेज यूट्यूब और उत्तर बंगाल और सिक्किम के सभी टेलीविजन स्क्रीन पर जैसा पहले दिखाया जाता था वैसा अभी भी दिखाया जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आगामी 9 फरवरी को खेला जाएगा, इसीलिए इसे देखना ना भूलें। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for Session 2020 Pre-Nursery to Class 9. Quality Educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games. Indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूँगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूँगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा रामकृष्ण रोड सिलीगुड़ी। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घंटा न्यूज चैनल द्वारा यहाँ समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौं। यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरुको भिडियो आफ्नो मोबाइल द्वारा कैद गरी
घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में आग में जलकर एक वृद्ध महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। रायगंज के एक नंबर वार्ड के काशीवाटी लोकनाथ मंदिर संलग्न इलाके में बुधवार देर रात इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त रेवती मोहन सिंह के रूप में की गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विधायक के बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। कल देर शाम वो अपनी पत्नी के साथ रायगंज शहर में बाजार करने गया था। उस समय वृद्धा घर पर अकेली थी और सो रही थी। इस बीच लोगों ने अचानक घर को धू-धू कर जलते देखा। आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही रायगंज से दमकल का एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और रायगंज थाने की पुलिस व दमकल विभाग घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को लेकर इलाके में शोक व्याप्त है। हमरा खबर पेलम, खबर पे हमरा इसे देखलम जे आगुन जल छै। तारपर एसे सुनलम जे छेले आर छेलेर बउ गेछे बाजार करते। हां, एबार हमरा जानि ना भेतरे की आछे ना आछे। एखानकार लोकल छेले पेलेरा ढुकते पाछे ना भेतरे, एतो आगुन। तारपर लोकल छेलेरा जल दिच्छिल किन्तु ओइटुकु जले तो आर पोषाच्छे ना। फायर ब्रिगेड आसलो, तारपर जल देवार पर जखन फुका गेल तखन देखलो बुड डेड। ওরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছে, কিন্তু ভিতরে বদ্ধ করে আমাদের রেবতী মোহন সিংহ নামে একজন প্রবীণ ব্যক্তি তিনিও ছিলেন, তিনি মারা গেছেন। শিলিগুড়ি কে বাগরাকোট মে जान जोखिम में डालकर विद्यार्थी और आम लोग पटरी पर खड़े ट्रेनों के नीचे से गुजर रहे हैं। यहां पर ट्रेनें लंबे समय तक रुकती है, लेकिन कोई फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक ट्रेनों के रुकने से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में देरी होती है, इसलिए वह अपनी साइकिल लेकर ट्रेनों के नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन इससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। प्रशासन को स्थानीय लोग यहां पर फ्लाईओवर बनाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है। आरोपी सिंह ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के समक्ष, एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने सिंह की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मामले में दो अन्य आरोपियों मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा के दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जलपाईगुड़ी थाने में साउंड लेवल कैलिब्रेटर मशीन मंगाया गया है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आम लोग शिकायत करते थे कि उनके आसपास किसी समारोह के दौरान तेज आवाज में माइक बजाई जा रही है, लेकिन पुलिस के पास आवाज की तीव्रता मापने के लिए कोई मशीन नहीं था, इसलिए कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस मशीन को मंगाने से कार्रवाई आसान हो जाएगी। हमारे माननीय एसपी साहब हमारे प्रतिदिन थाना पाठिएछेन, हमरा एटा ट्रेनिंग दिच्छि अफिसार दे की एटा कि ओई शब्दबाजी डीजे तारपर साउंड सिस्टम इत्यादि क्षेत्रे आईनगत व्यवस्था नेवार जन्य साउंड लेवल कैलिब्रेटर। INTTUC NGP शाखा की तरफ से आज चोपड़ा में मारे गए गाड़ी चालक और दो खलासियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जनवरी महीने में एक दुर्घटना में गाड़ी चालक और दो खलासियों की मौत हो गई थी। आज इटक NGP शाखा के अध्यक्ष प्रसन्नजीत रॉय ने खलासियों के परिवार वालों को 31,000 और गाड़ी चालक के परिवार वालों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की। তাদেরকে একটা আর্থিক সাহায্য আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে, আর ড্রাইভার যে ছিলেন তাকে 51,000 টাকা, তার পরিবারের হাতে দিল দেওয়া হলো, এবং যে খালাসি ছিল তার হাতে 31,000 টাকা, এবং একজন নর্মাল ডেথ হয়েছে, বাড়িতে অসুস্থ হয়েছিলেন ড্রাইভার ভাই, তার পরিবারকে 31,000 টাকা দেওয়া হলো। টাকাটা যদিও খুব সামান্য, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনটে অ্যাক্সিডেন্ট একসাথে হয়ে যায়, ইউনিয়নের তরফ থেকে তিনটে পরিবারকে একটা আর্থিক সাহায্য করা হলো, যাতে ওরা কোনো কিছু একটা করে খেতে পারে, তার জন্য এই সাহায্য করা। জলদাপাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যান কে সংলগ্ন মাদরিহাট খেরবাড়ি
पुनर्वासन केंद्र में एक मादा चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे वन कर्मियों में काफी खुशी देखी जा रही है। करीब 1 साल पहले सिलीगुड़ी संलग्न बागडोगरा इलाके में उस मादा चीते को पकड़ा गया था। पहले इसको बंगाल सफारी पार्क में रखा गया था और बाद में खैरबाड़ी पुनर्वासन केंद्र में लाया गया। वन कर्मियों ने बताया कि 3 शावक स्वस्थ है और उनको चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार है जारी। कोरोना वायरस के दिल्ली में 5 नए संदिग्ध मरीज मिले। चीन में अब तक 562 की हो चुकी है मौत। 27,000 से ज्यादा मामलों की है पुष्टि। कोरोना वायरस के 5 और संदिग्ध मरीज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बुधवार को भर्ती हुए। इनमें एक महिला भी शामिल है। अस्पताल में भर्ती संदिग्ध मरीजों की संख्या 12 हो गई है। जांच के लिए सभी मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। निगरानी के लिए उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उधर चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 562 हो गई है। हुबेई प्रांत में बुधवार को 70 लोगों की मौत दर्ज की गई। चीन के वुहान में जन्म के 30 घंटे बाद नवजात संक्रमित पाया गया है। CNN के मुताबिक चीन में अब तक 27,378 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चीन के बाहर हांगकांग और फिलीपींस में भी युवक एक एक की मौत हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार 21 देशों से बीजिंग को महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए डोनेशन मिला है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम शेष खबरों के लिए बने रहे SK Live के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। और देखते रहे SK Live, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।